हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। आपका हमारे नए ब्लॉग में स्वागत है। आज का ब्लॉग बनाने में हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं है आपको बताने के लिए और दिखाने के लिए, पर आप हमारी फैमिली को, जैसे मैंने बोला था, तो आपको अपडेट देना ज़रूरी है। अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी हो तो आपको आइडिया होगा कि हमने शुरुआत कैसे करी थी, मेरी फैमिली में कौन था। मैंने आपको बताया था आखिरी आई थी मेरे पास जॉब करने के लिए, रहने के लिए। तो हमने मैं ब्लॉगिंग का आइडिया हमारे दोनों के था, हम लोग इकट्ठे मिले तो हमने कहा चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन आज फिर हम वहीं उसी सिचुएशन पे खड़े हुए हैं, आखिरी को जाना पड़ रहा है। तो बताएगी आपको कुछ, आखिरी जहाँ मेरी जॉब लगी है वो इस जगह से बहुत दूर है, तो मेरे को मैंने सोचा कि शिफ्ट करना वो भी बेटर होगी, ताकि मेरे को पास पड़ेगा वहाँ से रोज जाने का, ऐसा प्लेस का मुझे अंदेशा है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं शिफ्ट कर लेती हूँ, तो बस वही है। स्टार्टिंग में मैं सोचा था कि साथ रह के ब्लॉगिंग करेंगे, बट ये है कि जॉब भी ज़रूरी है करनी। अभी सिर्फ कुछ यूट्यूब से गुजारा नहीं हो सकता, क्योंकि यूट्यूब अभी स्टार्ट ही किया है हमने, जिसको बस साइड बाई साइड रखेंगे तब करेंगे इसको ज़रूर। टाइम निकाल के करेंगे जरूर, कंटिन्यू करेंगे, जैसे भी टाइम मिल जाएगा मिलेगा। हमने सोचा है कि हम शॉर्ट्स तो हम डालते रहेंगे, दो शॉर्ट्स तो हमारे डलते ही डलते हैं और वैसे भी डलते रहेंगे, शॉर्ट्स में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। बट ब्लॉगिंग का थोड़ा डिफरेंट होने वाला है इस बार ही। ऐसा होगा कि बुआ अपनी लाइफ दिखाएगी इधर और मैं अपनी लाइफ दिखाऊंगी उधर, जो होगा ये दोनों ऐड हो जाएगी। ऐसा भी नहीं करेंगे कि एक ब्लॉग बुआ ने सिर्फ अकेले अकेले अपना डाल दिया, एक मैंने अपना अकेले अकेले का डाल दिया, ऐसा भी नहीं होता। आकृति उधर क्या कर रही है वो आपको ही पता चलेगा, मैं इधर क्या कर रही हूँ वो दोनों हम आपको एक ही ब्लॉग में दिखाएंगे। तो आपके लिए शायद थोड़ा इंटरेस्टेड तो होगा कि दो जगह का आपको देखने को मिलेगा मे बी। और कल इसने देहरादून भी जाना है, एक्चुअली ये 3 साल देहरादून रही है, वहीं से इसने कुछ जॉब कर दी, कुछ कोर्स किया था देहरादून में। तो मैं आपसे इनको देहरादून इसलिए जाना है क्योंकि मेरा है ब्रेकअप का ट्रीटमेंट, तो मेरे बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम से चल ही रहा है ट्रीटमेंट, तो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, थक गई हुई कब ख़त्म होगा। तो ब्रेसेस से इतनी आदत हो गई है मेरे को, ये नहीं भी हटेगा तो चलेगा, बट मैं ये नहीं चाहती थी, बट मैं चाहती हूँ कि ये हटे। तो मेरे को कल जाना है, हर महीने में जो ट्रीटमेंट होता है मेरा तो मुझे जाना पड़ता है अपने डॉक्टर के पास। होपफुली 2-3 महीने में हट जाए, बिकॉज गैप जो मेरे दांतों के जो दांत टूटे थे उसके गैप के लिए दांत थोड़े गए थे, उसको गैप फिल हो चुका पूरा। तो आई जस्ट होप, बस फिनिशिंग बोला था डॉक्टर ने करनी बाकी है, आई जस्ट होप 2 महीने में होपफुली हो जाए। तो मैं तो बाकी देहरादून में आके वहाँ की वीडियोज बनाएगी, आपकी वहाँ की वेदर के लिए शॉर्ट्स बनाएगी। जब उसने बताया 2 शॉर्ट्स आते हैं तो उसने आपको वहाँ का वेदर भी देखने को मिला। बहुत प्यारी जगह, अभी तो हम दिल्ली रह रहे हैं पर देहरादून इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, बहुत प्यारी जगह है। 3 साल रही है ना, 3 साल देहरादून में रही है, वहाँ पे कभी भी बारिश हो जाती है कुछ नहीं पता, वहाँ पर कभी भी मौसम चेंज हो जाता है, अगर सुबह धूप है तो पता नहीं कब बारिश हो जाए, कब शाम में मौसम प्यारा हो जाए, कुछ नहीं पता। बस और गर्मियों में गर्मियाँ होती है, बट थोड़ा ऊपर चले जाओगे तो गर्मियाँ भी नहीं मिलेगी। शॉर्ट्स भेजती रहना, अपलोड करेंगे हम आपको, वहाँ का वेदर दिखाएंगे जो और कुछ भी जहाँ फ्रेंड के साथ या अपने डॉक्टर के पास जो भी होगा दिखाना, अपने व्यूअर्स को सब अपडेट करेंगे आपको। तो यही आपको इन्फॉर्मेशन दे दी थी, आज हम उसी नहीं के वहीं खड़े हैं जहाँ स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग में हमने दोनों ने सोचा था कि हम ब्लॉगिंग करेंगे, काम करेंगे, बट की लाइफ हमारे हिसाब से नहीं चलती, आप सब कुछ जानते हैं, लाइफ बदलती रहती है, बात एडजस्ट करना पड़ता है, पेस नहीं रहता लाइफ, वही कर रहे हैं। आई होप सब अच्छा हो, कि जहाँ रहे अच्छी रहे, खुश रहे, यही प्रेयर है गॉड से। तो बस यही फंक्शन देनी थी आपको, बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको पसंद आया हो हमारा अपडेट, वीडियोज़ पसंद आती हो, शॉर्ट्स पसंद आती हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय।